नमस्कार इंडिया, कैसे हो तुम लोग? आई नो कि तुम लोग एकदम फिट, फाइन, हैप्पी, सुरक्षित वाला, एकदम मजे में वाले और ठंड का मौसम एंजॉय कर रहे हो। ऐसे तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। तो ये गाइस केम छोर और उसका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, हमारे यानी उपसी एडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में बहुत अजीब अजीब बातें करेंगे। हमेशा इंटरेस्टिंग होता था और आज भी इंटरेस्टिंग ही है, प्लस में थोड़ा अजीब है। एंड आज की वीडियो में बहुत खतरनाक चिटबो कोड बनाऊंगा, तो बिना बकचोदी के वीडियो एंड तक देखना, डोंट स्किप दिस वीडियो। तो फाइनल मतलब हाँ, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली गाइस तुम देख सकते हो कि आज मैं कहीं आया था और ये जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता। जब तुम लोगों को पता लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। एंड फाइनली मैंने एक चिटकोड डाल के मिसाल करते ही हमारे पास पुलिस वाला कार आ गया, जिसके अंदर तुम्हारा सचिन भाई बैठ गया, फिर ऊपर उछल के गिर गया नीचे। वो तो नॉर्मल कार में छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहता है सचिन का। तो गाइस यहाँ पे दो लोग मौजूद है, तुम देख सकते हो, एक तो तुम्हारी भाभी और मेरी भी भाभी, और एक मेरा दोस्त, तुम्हारा भी दोस्त। तो पहले हम अपने दोस्त से बात करेंगे। हे, कैसा है तू? अरे अरे सचिन, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तेरा हाल चाल क्या है? बस तो मेरा हाल चाल बहुत मस्त है, अपना बताइए। अजी हमारा भी बहुत मस्त है, हम यहाँ पे कुछ काम से आए थे। ओ, मैं यहाँ पे मज़े करने आया था। हाँ हाँ, मज़े ही करने, तो बाद में मिलते हैं। तो नमस्ते भाभी जी, कैसे हो? अरे मेरे प्यारे सचिन देवर जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए, आप सब बताइए कि आप कैसे हो। अरे भाभी जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आजकल डॉक्टर का काम छोड़ के यहाँ पे क्यों? मेरे प्यारे देवर जी, काम छोड़ा नहीं है मैंने डॉक्टर वाला, यहाँ पे मेरा ना पेशेंट रहता है मेरे प्यारे देवर जी। वो बूढ़े से अंकल है जो कि चल नहीं पाते, इसलिए मुझे उनका इलाज करने उनके घर पे ही आना पड़ता है। ओ ओ, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फाइनली गाइस हमने अपने प्यारे भाभी जी और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से सबसे बात कर लिया है। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। यस गाइस, जैसे कि इंटरेस्टिंग बातें, अजीब बातें, तो पहले बातें बताता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम लोगों का उपसी अरे भाई का पेपर ख़त्म हो चुका है, लास्ट आज पेपर था गाइस। एंड वो तो बिना पढ़े गया था, वो वैसे हर पेपर में बिना पढ़े गया था, पर आज के पेपर में सच में वो बिना पढ़े गया था एंड फुल कॉन्फिडेंस में गया था, बिकॉज संस्कृत का था गाइस। एंड वो सारे करके आया, वो तो भगवान के ऊपर है कि कितने नंबर दे, आई मीन टीचर मतलब भगवान, समझ जाओ टीचर भगवान ही होता है। तो गाइस जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैंने मतलब हम लोगों ने मिल के एक नया कैरेक्टर बनाया है जिसका नाम है फरहान और फरीद, दो है। एंड इससे पिछली वीडियो में 4 मिनट की वीडियो में वो फरहान आया था और फरीद भी आया था आई थिंक। तो उन लोगों की आवाज़ अगर तुमको पसंद नहीं आई, जो कि ट्यून वॉइस जो भी बोल सकते हो तुम, अगर नहीं आई तो तुम प्लीज़ कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसकी आवाज़ चेंज करने के लिए बोल दूँगा उसको। एंड गाइज अगर तुम्हें फरहान कैरेक्टर नहीं पसंद है तो भी बता सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली गाइज तुम्हारा सचिन भाई पापा का परी बनकर आसमान में उड़ रहा है। जस्ट जोकिंग गाइज, मैं तो शेर हूँ, अरे सब शेर हैं। तो देख सकते हो कि मैं ऊपर से नीचे गिर गया, अब नीचे गिर के सीधा ऊपर जाऊंगा, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मुझे दोबारा गेम ज्वाइन करना पड़ा और मैं सीधा ऊपर आ गया हूँ। हाँ हाँ गाइस तुम सही सोच रहे हो, स्वर्ग लोग में तो जा नहीं सकता कभी भी, तो नरक लोग में आया हूँ। तो गाइस यहाँ से हम चैलेंज करते हैं कि ये जो है स्कूटी बोल दो या कुछ भी बुलेट बोल दो इसको, ये सही सलामत नीचे मुझे लेके जाता है कि नहीं? क्योंकि मेरे को नरक लोग में नहीं रहना, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो है ना वो अभी धरती पे हैं, तो मैं उनका पीछा कैसे छोड़ दूँ गाइस। तो फाइनली क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है गाइस, कार बस कुछ भी हो, मॉन्स्टर ट्रक भी यहाँ तक नीचे जाते जाते उसकी हालत ख़राब हो जाती है एंड वो टूट जाता है गाइस। यस, तो यार मैंने इस पर शर्त लगाता हूँ, देखो अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, कुछ भी नहीं टूटेगा। तो अगर मैं सही सलामत नहीं उतरा तो जो तुम्हारी मर्जी, जैसे कि तुमने देखा कि मैं सही सलामत उतरा था, उतरने के बाद मैंने बुलेट से उतरा हूँ एंड उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, पर मैं सही सलामत उतरा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। तो गाइस एक और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। एक्चुअली गाइस जैसे कि मैंने बोला था तुमको कि प्री बोर्ड के बीच में छुट्टियाँ रहती है एंड वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप स्कूल जाओ या ना जाओ। तो जैसे कि मैंने बताया था तुमको कि मेरे इतने सारे फ्रेंड है स्कूल में, तो उनमें से जो एन नाम का फ्रेंड था, एक्चुअली गाइस उसने कल
बंक मारा था स्कूल का, मतलब एक्चुअली घर पे बोल के आया था कि वो स्कूल जा रहा है, बट स्कूल गया ही नहीं। एंड उसके साथ एक और उसका दोस्त था जो कि हमारे ग्रुप का ही मेंबर है, उन दोनों ने मिलके बंक मारा था। एंड गाइस लिटरली उसके घर पे पता लग गया, दोनों के घर पे, एन नाम पे जो भी मेरा फ्रेंड है और एस नाम का फ्रेंड है, उन दोनों के घर पे पता लग गया कि उन दोनों ने बंक किया था। एंड एन के घर पे जाने के बाद जब नॉर्मली स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम पे वो घर पहुंच गए, एंड छुट्टी होने के बाद जब वो एन नाम का बंदा गया अपने घर, किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ कुछ ही नहीं बोला, उसके बड़े भाई मतलब ताऊ के बड़े लड़के ने उसको मारा भाई, क्या मतलब ज़्यादा नहीं मारा, थोड़ा सा मारा बट बहुत तगड़ा वाला मारा था। एंड जो एस नाम का बंदा था उसके घर पे जाने के बाद उसकी मम्मी एक कमरे में लेके जाती है, कमरे का कुंडी बंद करती है, ले पाइप से ले दरादन भाई जहर मारा था दोनों को। तो गाइस अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैम को और उनके पेरेंट्स को पता कैसे लगा कि उन दोनों ने बंक किया। जो एस नाम का बंदा था ना उसके पेरेंट्स को एन नाम पे ना शक होता रहता है, मतलब उसके दूसरे वाले फ्रेंड पे, क्योंकि थोड़ा अजीब समझती है उसको, और वो दोनों साथ में ही स्कूल के लिए निकले थे तो देख लिया था उसकी मम्मी ने, तो शक तो हो ही रहा था। तो इसलिए जो एस नाम की मम्मी थी उस वो गई स्कूल, उन्होंने जाके मैम से पूछ लिया कि क्या एस नाम का बंदा स्कूल आया है, तो मैम ने बोला नहीं आज तो वो छुट्टी पे है ना, तो मैम को उसने बोला उसकी मम्मी ने कि नहीं नहीं वो तो आया था आज, और मैम फिर उसकी मम्मी ने शक हो रहा था तो उन्होंने ये भी पूछ लिया कि क्या एन नाम का बंदा स्कूल आया था, मैम ने बोला कि नहीं वो भी तो छुट्टी पे है। वहाँ से पता लगा मैम को भी और हमारी आंटी को भी कि सब छुट्टी पे, आई थिंक बंक में है। तो उसके बाद ऐसा सीन क्रिएट हुआ गाइस। एक्चुअली गाइस रियली मैंने ना मोटिवेशनल लाइंस पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि अपने दोस्तों के साथ ना एक बार जिंदगी में एक बार स्कूल से बंक मारना चाहिए, और वो जो तुम्हें फीलिंग होती है ना वो कितनी सुकून देती है। मैंने ये लाइन पढ़ रखा है, तो मेरे हिसाब से मार सकते हो, मारना है तो तुम्हारी मर्जी है, ऊपर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट अजीब लगता है थोड़ा मारना बंक। तो फाइनली गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो तुम्हारा सचिन भाई बस ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो में से मेरी बकचोदी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल के वीडियो को लाइक कर दो गाइस, और कुछ भी पसंद आया हो तो अपने प्यारे प्यारे दोनों हाथों से कमेंट कर दो मोटिवेट वाला। एंड गाइस अगर कुछ भी नहीं आया पसंद तो शेयर कर दो यार, हाँ हाँ अपने दोस्तों यार को शेयर कर दो। तो गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंक करना अच्छी बात है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। तो देखो गाइस जो एन नाम का फ्रेंड है मेरा, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और एस नाम का भी, तो वो मेरे फ्रेंड है तो मैं उनका साथ दूंगी, उन्होंने बंक किया तो किया इस ओके, वो मेरे फ्रेंड है, उनकी अच्छी बात में भी मैं उनका साथ देता हूँ एंड उनकी बुरी बात में भी साथ देता हूँ। एंड गाइस उन्होंने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया था, सिर्फ बंक ही किया था, ओके। तो फाइनली गाइस अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। यस गाइस ये थंबनेल लिख रहे ना गाइस, हाँ ये वाला थंबनेल, अगर इस थंबनेल का चिट कोड तुम लोगों को चाहिए तो मैं उपसियरी मोइस सचिन गेम के डेवलपर फरीद फरहान बस ये चाहते हैं कि कमेंट के अंदर एक प्यारा सा मोटिवेट कमेंट कर दो जिससे तुम्हारा पूरा भाई कॉन्फिडेंस हो जाए, ओके गाइस, तभी गेम के डेवलपर गेम्स के अंदर न्यू चिट कोड लाएंगे, न्यू चेंजेस लाएंगे, ओके गाइस। जो मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू, बाय।